हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। इस पर्टिकुलर मूवी को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि थिएटर में कम से कम चार एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी हर एक थिएटर के बाहर, क्योंकि मूवी देखकर जब लोग निकलेंगे तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग थिएटर में ही हमें बेहोशी की हालत में मिलेंगे और उनको जल्द से जल्द मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। चांसेस तो ये भी कि वो लोग कोमा में भी जा सकते हैं। मूवी को देखकर ऐसा लगता है कि यार इसको किसी डायरेक्टर ने नहीं, किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस ने नहीं, बल्कि टिकटॉकर्स और रील्स बनाने वाले लोगों ने। इनफैक्ट कुछ तो ऐसे रील्स बनाने वाले जो इस पर्टिकुलर मूवी से अच्छी रील बनाते हैं। अहमद खान को तो सीधा फिल्म इंडस्ट्री से ही बैन कर देना चाहिए, यानी कि इस पर्टिकुलर मूवी के बाद उसको कोई भी मूवी डायरेक्ट करने के लिए मत दो। वो एक अच्छा कोरियोग्राफर होगा, शायद वो अच्छा कोरियोग्राफर भी नहीं होगा। इसके लिए उसको कोई कोरियोग्राफी करने के लिए भी देता नहीं है, पता नहीं भाई डायरेक्शन करने के लिए क्यों देते हैं। इसका जो स्क्रीन राइटर है, कहानी क्या लिखा है, क्यों लिखा है, वो उसको ही पता होगा और उससे जाके पूछो। और जो लोग भी 100, 150, 200, 300 रुपए अगर इस पर्टिकुलर मूवी के लिए देखने आएंगे तो भाई इतना बोल दूं कि उससे अच्छा वो पैसे गरीब को दे दो। शायद आपको दुआ तो लगेगी पर टाइम वेस्ट होगा, आपका पैसा वेस्ट होगा और आपके दिमाग की जो बजेगी वो अलग है। और टाइगर श्रॉफ, उनको तो एक ही मैसेज दूंगा कि हमको दूसरा सलमान खान नहीं चाहिए। सलमान खान एक ऐसा एक्टर है जिसकी टट्टी से टट्टी मूवी भी ऑडियंस हिट कर देती है, लेकिन तुम अगर उसके राह पे चलोगे तो भाई ऑडियंस बर्दाश्त नहीं करेगी। टाइगर श्रॉफ की बॉडी अच्छी है, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, बंदा अच्छा डांस करता है, बट उसकी एक्टिंग एकदम वाहियात है और वाहियात से वाहियात वो स्क्रिप्ट सेलेक्ट करता है। ऐसा लगने लगा कि टाइगर श्रॉफ है ना भाई ब्लाइंड गेम खेलता है, चली तो चली वरना दुल्गनी। और नवाज सर के लिए तो मैं इतना कहूंगा कि भाई उनके खिलाफ बहुत ही तगड़ी साजिश चल रही है, क्योंकि जिस लेवल के वो एक्टर है ना, इस पर्टिकुलर मूवी में एक्टिंग का ए भी नजर नहीं आया। और विलन के नाम पे उन्होंने ऐसे गांडू कैरेक्टर को प्ले किया जिसे देखकर तुम्हें ना हंसी आएगी, ना रोना आएगा, ना गुस्सा आएगा, मतलब आपका मुंह खुला खुला रहेगा और आपको ऐसा लगेगा भाई नवाज भाई ये क्या कर रहे हो, आप किस लाइन में आ गए हो। एक तरफ आप एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस देते हो, दूसरी तरफ आप ऐसी कमर्शियल मूवी में काम करते हो जहां पर ना सर है ना पैर है। कहानी में आपको बता दूं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी यहाँ पर मैजिशियन प्लस क्रिमिनल है और वो चाहता है कि 31 मार्च से पहले भी हिंदुस्तानी लोग उन सारे के अकाउंट हैक कर दे, क्योंकि उससे पहले वो लोग टैक्स भरते हैं। अब ऐसे में कहानी में क्या चूतियापा होता है ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये पर्टिकुलर मूवी देखनी पड़ेगी। कैरेक्टर्स की बात करो, सबसे पहले जो लीड एक्टर है यानी कि हमारे टाइगर श्रॉफ, उसके कैरेक्टर को तो ऐसा मजाकिया लिखा है यहाँ पर के साइंस नाम की कोई चीज ही नहीं है। और उसके अपोजिट तारा सुतारिया, तारा सुतारिया तो मैं बोलूंगा कि भाई किसने इसको फिल्म इंडस्ट्री में लाया, क्यों लाया, ये मुझे रिटर्न बताओ तुम लोग रिटर्न। क्योंकि तारा सुतारा क्या उसका नाम है भाई, इतनी वाहियात एक्ट्रेस है, उसे लिटरली डायलॉग्स बोले नहीं जा रहे और वो कपड़े कैसे भी पहन रही हो लेकिन जब मुंह खोली तो ऐसा लग रहा गटर है। और उसकी और टाइगर श्रॉफ की केमिस्ट्री मुझे बिल्कुल समझ में नहीं। उसके अलावा यहाँ पर अमृता सिंह भी हमें नजर आती है जो कि टाइगर श्रॉफ की मॉम का रोल प्ले करी। थोड़ा सा इमोशनल एंगल है लेकिन वो इमोशनल एंगल आपको फील नहीं होता, एटलीस्ट मुझे फील नहीं हुआ। एक्शन सीन्स की बात करो तो एक्शन सीन्स है लेकिन वो उतने अच्छे नहीं है, मतलब ऐसा लगता है कि टाइगर की हमने बहुत सारी मूवीज में ऐसे एक्शन सीन्स देखे तो कुछ यूनिकनेस नहीं लगा। सॉन्ग्स की बात करो तो भाई सॉन्ग्स को सिर्फ घुसाड़ा गया, मतलब कोई भी सॉन्ग मतलब का नहीं लगता और कोई भी ऐसा सॉन्ग नहीं जो थिएटर से बाहर निकले तो हमें कैची लगे। हाँ बस इंटरव्यू के बाद एक कवाली है जो सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक्टिंग की बात करो तो भाई किसका भी परफॉर्मेंस मुझे अच्छा नहीं लगा, सॉरी टू से नवाज भाई का भी परफॉर्मेंस मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और डायरेक्शन तो भाई एकदम थकेला है, मत जाओ पैसा वेस्ट मत करो। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। और हाँ पेरेंटल गाइडेंस से इतना बोलूंगा, मूवी में किसिंग सीन है जो कि आपको स्टार्टिंग में देखने को मिल जाता है, उसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं। तो आपको जाना तो जाओ भाई आप लोग की मर्जी, मैं इस पर्टिकुलर मूवी को रेटिंग दूंगा 0 स्टार। इस तरह की मूवी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता भाई। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।